हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हमने 1.1 के तीन क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम इसका चौथा क्वेश्चन देखते हैं। पहले वाले क्वेश्चनों में हमने देख लिया समुच्चय कौन से होंगे, यहाँ उसमें कौन से एलिमेंट बिलोंग्स करते हैं, और यहाँ उसमें लिखा था रोस्टर। अब फोर्थ क्वेश्चन में उसने बोला है समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करना, और समुच्चय निर्माण रूप में आपको बताया था एक ही लाइन आनी चाहिए जो उस सारे को क्या करेगी, कवर करेगी। ठीक है, कोलन लगा के लिखनी होती है। देखो जैसे वर्ड दिया है 3, 6, 9, 12। अब इन सभी को एक ही लाइन लिखनी है जो इनको क्या करे, यहां पर सभी उस लाइन में आ जाए, सभी को संतुष्ट करे, यानी सभी मान उसमें आ जाए। देखो 3 × 3 × 1 3 होता है, 3 × 2 6, 3 × 3 9, 3 × 4 12 इस प्रकार से, यानी 3n है। और n किसमें बिलोंग्स करवा देंगे, कैपिटल एन में, यानी प्राकृत संख्या होंगी। प्राकृत संख्या कौन सी होती है, 1 2 3 4, ये सारी क्या होती है, प्राकृत संख्या। तो यहां पर इसको सेटिस्फाई करवाएंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स कोलन एक्स इक्वल 3n, एक्स इक्वल 3n, और स्मॉल एन बिलोंग्स कर रहा है कैपिटल एन में, जहां एक से बड़ा या इक्वल है स्मॉल एन, छोटा या इक्वल है 4, कर रहे हैं सेटिस्फाई इस लाइन में, इसमें वैल्यू ये रखते हो और यही मान आपके पास प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से आपने समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कर दिया। सेकंड क्वेश्चन है 2, 4, 8, 16, 32। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं 2, 4, 8, 16, 32। तो देखो यहां पर ये जो 2 है, 2 की पावर 1 ही होती है, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, इस प्रकार से बन रही। तो इसका अर्थ इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर n लिख सकते हैं, 2 की पावर n, और n की वैल्यू कहां से लेकर कहां तक ले लेंगे, 1 से 5 तक ले लेंगे। तो देखो यहां पर क्या लिखोगे, x कोलन x इक्वल 2 की पावर n, n बिलोंग्स करता है कैपिटल N में, प्राकृत संख्याओं में, और 1 से बड़ा या इक्वल है n, छोटा या इक्वल है 5। तो ये लाइन इस पूरे को कवर करेगी। नेक्स्ट थर्ड है 5, 25, 125, 625। सिंपल ही इसी प्रकार से 5 की पावर 1, 5, 5 की पावर 2, 25, तो 5 की पावर n बनेगी, जहां तक दिया है स्मॉल n की वैल्यू को देख लो। नेक्स्ट है 2, 4, 6। तो देखो यहां पर इसने दिया है फोर्थ में 2, 4, 6, 10। ये सारी क्या है, मैंने सम संख्या, ये सारी क्या है, सम संख्या और प्राकृत संख्या। तो क्या लिखेंगे यहां से, x कोलन x 1 सम प्राकृत संख्या, x क्या है, सम प्राकृत संख्या, सभी को ये कवर करेंगे। फिर फिफ्थ में दिया है 1, 4, 9, 10, 10, 100 तक गई। देखने पर ही पता चल रहा है ये संख्याओं का वर्ग है, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 10 का वर्ग 100, इसका अर्थ ये 1 से लेकर 10 तक का वर्ग है। तो क्या लिख सकते हैं यहां से, x कोलन x इक्वल n की स्क्वायर, n बिलोंग्स करता है कैपिटल n में, प्राकृत संख्या में, 1 से बड़ा है इक्वल है स्मॉल n, छोटा है इक्वल है 10 से। तो ये वैल्यू रखोगे यहां पर आपके पास ये रोस्टर ऊपर आ जाएगी। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, सभी अवयवों को सूचीबद्ध करना, सूचीबद्ध बोल दें यहां उसको, रोस्टर रूप बोल दें। फर्स्ट है इसमें a इक्वल x कोलन x एक विषम प्राकृत संख्या है, x एक विषम प्राकृत संख्या,
तो देखो यहाँ पर इसमें a इक्वल x एक दिशा में और प्राकृत संख्या तो 1, 3, 5, 7 हो गया ये इसका सूचीबद्ध रूप। फिर नेक्स्ट b इक्वल x कोलन x एक पूर्णांक है -1/2 से बड़ा है x छोटा है 9/2 तो इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर लेते हैं। ये हमारी एक संख्या रेखा है यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस पर -1/2 यानी -0.5 यहाँ पर हो तो यहाँ लिख लेते हैं -1/2 9/2 यानी 4.5 यहाँ पर होगा 9/2 तो यहां से लेकर यहां तक जो बीच में जो भी वैल्यू होगी इनको छोड़ के वो सारी क्या इसको कवर करेगी। x कोलन x एक पूर्णांक होगा -1/2 से बड़ा होगा और छोटा किससे होगा 9/2 से। नेक्स्ट x एक पूर्णांक है x स्क्वायर लेस देन इक्वल है। अब देखो पहले तो बात करी थी प्राकृत संख्याओं की इसमें अब पूर्णांक का क्वेश्चन आ गया तो पूर्णांक का आप सब होता है कौन से होते हैं माइनस वाली संख्या भी होती है जीरो भी होती है और प्लस वाली संख्या भी होती है पूर्णांकों का समुच्चय यही होता है ना। इसमें देखते हैं एक्स कोलन एक्स एक पूर्णांक है और एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल है 4 एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल है C तो C इक्वल देखो उसका वर्ग जो भी पूर्णांक है उसका वर्ग जो है 4 से कम होना चाहिए या 4 के बराबर हो सकता है। -3 का वर्ग करें तो प्लस का 9 आएगा 9 इस 4 से क्या बड़ा है तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। -2 का वर्ग करें प्लस 4 आएगा ये इसके बराबर ही है तो -2 -1 0 1 2 3 का वर्ग करें फिर 9 हो गए इससे बड़ा हो गए तो इसको सेटिस्फाई क्या करेंगे -2 -1 0 1 2। नेक्स्ट डी पार्ट में दिया है x कोलन x लॉयल शब्द का x लॉयल शब्द का एक अक्षर के शब्द का अक्षर है लॉयल रोस्टर रूप में लिखना है या सूचीबद्ध करना है तो कोई भी अक्षर इसमें रिपीट नहीं होता तो लॉयल शब्द है तो L O Y A L दोबारा आ गया नहीं यहां पर इसमें नहीं है। फिर नेक्स्ट x वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं है तो जिन मंथ में 31 दिन नहीं होते वो आप इसमें सूचीबद्ध करो। फिर नेक्स्ट x कोलन अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है एफ में दिया इसके एक्स कोलन एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है के से पहले आता है व्यंजन होगा वो हमारे पास लोकल कौन से होते हैं ए ई आई ओ यू ये हमारे लोकल होते हैं तो व्यंजन बोला जाएगा इसमें एफ इक्वल में के से पहले पहले वाले व्यंजन भी बताने हैं तो ए तो नहीं आ सकता बी सी डी फिर ई यहां पर लोकल हो गया एफ जी एच आई से कोवल तो जी के से पहले आता है तो के से पहले आने वाले ये हमारे हो जाएंगे बी सी डी एफ जी एच इस प्रकार से आपने इनको सूचीबद्ध करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित दाईं ओर समुच्चय निर्माण का सही निदान करना है। एक साइड उसने लिखा है रोस्टर रूप और एक साइड लिखा है समुच्चय निर्माण इनका मिलान करना है किसका किससे मिलान यहां दिया इस साइड रोस्टर रूप
और इस साइड भी है कोई समुच्चय निर्गुण। रोस्टर रूप में भी है फर्स्ट में 1 2 3 6 ऐसा ही लिखा है। एक्स एक है भाग्य संख्या है एक्स कोलन एक्स एक अभाज्य संख्या है जो छह की भाजक जो छह की भाजक। सेकंड पॉइंट 2 3 यहां पर दिया है 2 3 यहां दिया है इसमें बी एक्स कोलन एक्स संख्या एक्स कोलन एक्स संख्या 10 से कम एक विषम प्राकार संख्या 10 से कम एक विषम प्राकार संख्या। थर्ड एम ए टी एच एम ए टी एच ई आई सी एस ई आई सी एस ये दिया यहां पर। इस साइड हमें दिया इसके एक्स एक प्राकृत संख्या और छह की भाज्य एक्स कोलन एक्स एक प्राकृत संख्या है और छह की भाजक और छह की भाजक। फिर नेक्स्ट इसमें लास्ट फोर्थ दिया इसने रोस्टर रूप में 1 3 5 7 9 और यहां पर इसमें दिया है एक्स एक्स मैथमेटिक्स शब्द का एक्स कोलन एक्स मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर शब्द का एक अक्षर। अब इनका बाईं ओर से दाईं ओर वाले से जो भी सेटिस्फाई करना है उनका मिलान करना। फर्स्ट है हमें 1 2 3 6 दिए। अगर इसकी बात करें ये कहता है एक अभाज्य संख्या और छह की भाजक है तो इसमें छह जो है वो छह अभाज्य संख्या नहीं। यहां देखें एक्स एक प्राकृत संख्या और छह की भाजक है तो ये सारी की प्राकृत संख्या भी और छह की भाजक भी है तो इसका मिलान किससे होगा फर्स्ट का सी 2 3 ये दोनों अभाज्य संख्या भी है और छह की भाजक भी है तो इसका मिलान किससे होगा इस M A T H E I C S कोई भी अक्षर रिपीट नहीं हो रहा तो ये इसका ही अक्षर। फिर 1 3 5 7 9 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है 10 से कम भी और ये विषम संख्या है इस प्रकार से इनका मिलान जो जिसको सेटिस्फाई कर। बाकी इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट होने